सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने किया प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, बोले और तेज होगा आंदोलन। बेनतीजा रही किसानों के साथ सरकार की बैठक, 3 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे फिर से होगी माथापच्ची। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। सरकार ने बातचीत के लिए दिया समिति बनाने का प्रस्ताव, किसानों ने किया नामंजूर। सरकार ने किसानों से किया आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा आगे भी जारी रहेगी बातचीत। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार के मंत्रियों ने की माथापच्ची, बीजेपी अध्यक्ष के घर मौजूद रहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा की नई तैयारी, हर परिवार से एक सदस्य को दिल्ली भेजने की अपील। पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत का दूसरा सामान इकट्ठा कर रहे, आज से दिल्ली होंगे रवाना। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान, ढपली के साथ गूंजे विरोध के सुर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा जमावड़ा, मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। नोएडा बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बुराड़ी में किसानों के प्रदर्शन के बीच सजी कांग्रेस की किसान रसोई, प्रदर्शनकारियों को दी खाने पीने की मुफ्त सुविधा। बुराड़ी पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, प्रदर्शन कर रहे किसानों से की मुलाकात। योग गुरु रामदेव ने कहा कृषि कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा नहीं करना केंद्र सरकार की बड़ी चूक। अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले प्रदर्शनकारी किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा किया राशन। जालंधर में ओलंपिक पदक विजेताओं ने भरी हुंकार, कहा 5 दिसंबर तक कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो लौटा देंगे अपने पदक। किसानों ने दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को किया बंद, घंटों जाम में परेशान होते रहे मुसाफिर। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के आढ़ती, सांकेतिक तौर पर एक दिन बंद रखा कामकाज। किसान आंदोलन में कूदे कनाडा के प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे प्रदर्शन को बताया चिंताजनक। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया गैर जरूरी। न्यूयॉर्क तक पहुंचे किसान आंदोलन की गूंज, समर्थन में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बारामती के किसानों ने किया दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन, केंद्र सरकार से जोरदार नाराजगी। सिंगू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था, 25 से 30 हजार पहुंची प्रदर्शनकारियों की संख्या। मेवात के किसानों ने की दिल्ली में एंट्री की कोशिश, गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों ने रोका आंदोलनकारियों का रास्ता। मुंबई के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के रुपए के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का करेंगे शुभारंभ। मुंबई में सीएम योगी के अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात, फिल्म सिटी को लेकर चर्चा। मशहूर गायक कैलाश खेर से भी मिले सीएम योगी, फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट पर हुई बात। यूपी में फिल्म सिटी के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा बॉल नहीं बॉलीवुड की कोई उठा ले जाए। उद्योगपति प्रणव अडानी के साथ सीएम की मीटिंग, आज भी बड़े उद्योगपतियों से मिलने का कार्यक्रम। टीएमसी में टूट का संकट टला, पार्टी में बने रहेंगे शुभेंदु अधिकारी, बैठक के बाद सौगत रॉय ने दिया बयान। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभिषेक बैनर्जी की मीटिंग, सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय भी थे मौजूद। शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी मिली सदस्यता। पिता के आरोपों से बुरी तरह गिरी शैला राशिद ने दी सफाई, कहा बदला लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं पिता। शैला ने अपने पिता पर लगाया मां को मारने का आरोप, कहा कोर्ट ने घर में एंट्री पर लगाई है पाबंदी। बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। गुजरात में कम किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, 800 में होगी जांच, घर आने पर 1100 रुपए लगेंगे। यूपी में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, घर आकर जांच करने के लिए लगेंगे 900 रुपए। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी, 24 घंटे में 86 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 4000 से ज्यादा नए मामले, 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले, 94,62,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
देश में पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत, अब तक 1,37,000 की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 88,89,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3800 से ज्यादा नए मामले, 18,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में घटी नाइट कर्फ्यू की संभावना, सूत्रों के मुताबिक घट रहे कोरोना मामलों की वजह से फिलहाल सरकार नहीं लेगी फैसला। अमृतसर में कर्फ्यू के दौरान सड़क पर भिड़ गई गाड़ियां, जबरदस्त हंगामा। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पब्लिक ब्रिज पर नकाबपोश का हमला, एक शख्स को चाकू से किया घायल। यूपी के झांसी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपी ने किया हमला, पीड़ित को सड़क पर पीटा। मध्य प्रदेश के शहडोल के सरकारी अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत, इससे पहले 24 घंटे में 6 बच्चों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पराली जला रहे किसान, आसपास की फसल को हुआ नुकसान। जोधपुर में सड़क पर खड़ी भैंस की वजह से 4 गाड़ियों की टक्कर, मां बेटी की मौत, 6 घायल। बारामती में चंदन की लकड़ी के तस्करी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार, 27 लाख की लकड़ी जब्त। सरयाम सड़क पर महिला कुमारी गोली, आरोपी मौके से फरार। बरेली में चौकी इंचार्ज और बीजेपी पार्षद के बीच मारपीट, अवैध खनन को लेकर विवाद। औरंगाबाद में बिजली की समस्या से परेशान किसान, स्वाभिमान शेतकारी संगठन के बैनर तले प्रदर्शन। यूपी के रामपुर में स्कूल ड्रेस लेने आए बच्चों से टीचर ने कराया काम, प्लाई बोर्ड की कराई धुलाई। हरियाणा के चरखी दादरी में एटीएम मशीन काटकर चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। पीलीभीत में मदरसे में होने वाली पिटाई को लेकर FIR दर्ज, मदरसे के प्रबंधक, अध्यापक और बच्चे के पिता आरोपी। मध्य प्रदेश के विदिशा में तहसील परिसर में किसान ने फांसी लगाने की कोशिश की, सुनवाई नहीं होने से था परेशान। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के कलेक्टर ने खुद पर लगाया जुर्माना, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत तय समय में नहीं करने का मामला। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे बेटी की सगाई में जमा हुई हजारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। काले हिरण मामले में सलमान खान को पेशी के लिए मिली राहत, 16 जनवरी को अगली सुनवाई में होना होगा पेश। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी जंग, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। उन्नाव में नदी में मिला 11 दिन पहले लापता हुए शख्स का शव, पैसे के लालच में वारदात का शव। पश्चिम वर्धमान जिले में रुई के गोदाम में भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कोलकाता में मदरसा टीचरों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के रवैये को लेकर ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी। यूपी के संभल में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा, दुल्हन पक्ष के एक युवक की मौत, दूल्हे के पिता गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में चार चौकी पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में DRI ने जब्त किया करीब 1.5 किलो सोना, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में कारोबार की प्रतिस्पर्धा में एक कारोबारी की पीट पीट कर हत्या, विरोध में गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 गुटों से विवाद में महिला की मौत, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर किया हंगामा। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर इलाके में मां बेटी पर फायरिंग, 45 साल की महिला की मौत से हड़कंप। हावड़ा की एक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग ने 2 घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के बुलढाणा में धू धू का जली लग्जरी बस, ड्राइवर की मुस्तैदी से बचे 35 मुसाफिर। क्रिकेट में सट्टेबाजी के चक्कर में इंदौर में एक युवक ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर 3 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। फतेहपुर में अपहरण की गई पीड़िता ने सोशल मीडिया में जारी किया बयान, पिता और भाई से बताया जान का खतरा। देवरिया में BSF के जवान स्वर्गीय अजय कुमार की बेटी का DM ने किया कन्यादान, शहीद की बेटी ने जताई थी इच्छा। मुंबई में आदित्यनाथ नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ लिए 7 फेरे, बारात से पहले बांटते दिखे मास्क। साई बाबा मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की भारतीय संस्कृति वाले ड्रेस पहनकर मंदिर में आने की अपील, कुछ भक्तों ने की थी शिकायत। वापस लौटा प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था, ननकाना साहिब में मनाया त्योहार। हरिद्वार में जोरों पर है कुंभ मेले की तैयारियां, गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत रहे मौजूद। अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहे हैं BSF, दिल्ली से लेकर भुज तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। गोधरा में कोरोना के खिलाफ एक चाय वाले की मुहिम, चाय पीने के लिए आने वाले ग्राहकों को दिया जाता है मास्क।
कोरोना काल में नोएडा में जागरूकता अभियान, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने माथे मास। वाराणसी में डीएलडब्ल्यू ने कोरोना काल में तोड़े रिकॉर्ड, नवंबर महीने में बना डाला 40 रेल इंजन। अभी बर्फ में ढकी ऐतिहासिक मुगल रोड, युद्ध स्तर पर जारी है बर्फ हटाने का काम। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग टिकट की वसूली में गड़बड़ी, कैश जमा करने वाली कंपनी के खिलाफ केस। नवंबर में 16% से ज्यादा उछले कच्चे तेल के दाम, 20 साल की तीसरी सबसे बड़ी तेजी। वैक्सीन बनने की खबर के साथ सोने में आई 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट, नवंबर में करीब 6% लुढ़का दाम। 1 दिसंबर से रोजमर्रा के कामकाज के 5 नियमों में हुआ बदलाव, 24 घंटे आरटीजीएस की मिली सुविधा, पीएनबी एटीएम से लेन देन का तरीका भी बदला। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य साओ पाउलो में सख्त किए गए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का आदेश। ईरान ने इसराइल पर लगाया संगीन आरोप, कहा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की रिमोट कंट्रोल गन से की गई हत्या। दक्षिणी इराक में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सेना की तैनाती, सीरिया से सटे इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से जा चुकी 5 लोगों की जान। पाकिस्तान के मुल्तान में विपक्ष की बड़ी रैली, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल, इमरान खान का मांगा इस्तीफा। मनामा में 5 टन ड्रग्स बरामद, समंदर के रास्ते अमेरिका ले जाने की तैयारी, 13 लोग गिरफ्तार। कोलंबिया में बच्चों के प्रति बढ़ते हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन, बोगोटा में खिलौने लेकर सड़कों पर उतरे सामाजिक कार्यकर्ता। स्पेन और फ्रांस की सीमा से लापता हो गई ब्रिटेन की एक महिला पर्यटक, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सैन्य अभियान। अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिसमस की शुरुआत, शानदार रोशनी से नहाया अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास। क्रिसमस के रंग में रंगा ब्रिटेन का लंदन जू, जानवरों के बाड़े में की गई है शानदार लाइटिंग। रूस में जमकर हो रही बर्फबारी, सामने आई बर्फ की मोटी चादर पर मस्ती करते बच्चों की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।